अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पीडीएफ से रिलेटेड काम, जो है वो हम कैसे इजीली कर सकते हैं। जैसे कोई पीडीएफ की फाइल को हमने एक्सेल में बनाना हो, तो मेरे पास एक पीडीएफ की फाइल है, मैं ओपन कर देता हूँ। इसको अगर हमने एक्सेल में टाइप करना हो तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। दो तीन वेबसाइट हैं जहाँ से हम अपनी पीडीएफ की जो फाइल है उनको एक्सेल में या किसी भी जो हमारी फाइल है कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें वर्ड हो गया, जेपीजी हो गया, जिसमें हम चाहें कर सकते हैं। तो चलते हैं पहली फाइल की तरफ, .com। ये ऊपर पहली वेबसाइट है xodo.com, इसको हमने ओपन कर लेना है। ये पेज हमारे पास ओपन हो गया। टूल में जाएंगे तो टूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गए कि हम पीडीएफ से क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शन है पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ ए, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एचटीएमएल, पीडीएफ। अच्छा, ये पीएनजी से पीडीएफ में कन्वर्ट, वर्ड से पीडीएफ, यानी सारे फंक्शन यहाँ पर हमें अवेलेबल हैं। तो हम चलते हैं पीडीएफ से एक्सेल कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट फाइल करेंगे। ये हमारे पास एक फाइल है, इसको हमने सेलेक्ट किया, ओपन किया। सेलेक्ट होने के बाद ये फाइल हमें यहाँ पर बता रहा है पीडीएफ टू एक्सेल कन्वर्ट टोटल फाइल वन, राइट साइड में। लेफ्ट साइड पे हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है, तो माउस की मदद से हम नीचे आ जाएंगे, कन्वर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारी फाइल इसने कन्वर्ट कर दी है। ये देखिए लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये जो हमने फाइल अटैच की थी वो कन्वर्ट हो गई है, यहाँ से ये डाउनलोड होगी। राइट साइड पे भी डाउनलोड का ऑप्शन है, हम इसको डाउनलोड कर लेंगे और डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे। इसको मिनिमाइज करते हैं तो देखते हैं जो हमारी ये वाली पीडीएफ की फाइल थी, ये एक्सेल में जो कन्वर्ट हुई है, हम उस फाइल को ओपन करते हैं। तो ये फाइल हमारी आगे कन्वर्ट हो गई, हम ओपन करते हैं। ये देखें जी, ये दो शीट में उसने कन्वर्ट किया है ये सारा डाटा हमारा। हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दो में क्यों उसने किया, एक ही पेज पे क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा जो पीडीएफ की जो हमारी शीट थी उसमें जो ऊपर टैगिंग की हुई है और नीचे जो आइटम उसके लिखे हुए हैं, इन दोनों के बीच में ये गैप है। अगर ये गैप ना होता तो उसने एक ही पेज पे हमें कन्वर्ट कर देना था। ये था हमारा पहला स्टेप कि हम कौन सी वेबसाइट से कर सकते हैं। दूसरा एक और वेबसाइट है जहाँ से हम पीडीएफ से कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट के अंदर, पीडीएफ टू डॉक। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट पे ओपन हुई है वेबसाइट, इसको हम ओपन कर लेंगे। चलिए देखते हैं, पीडीएफ टू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ, पीडीएफ टू जेपीजी, ये काफी सारे ऑप्शन है। पीडीएफ से हमने कंप्रेस करना है या पीडीएफ की जो फाइलें हैं हमने वो कंबाइन करनी है, पीडीएफ को रोटेट करना है, तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जैसे हम यहाँ पर पीडीएफ कंबाइन कर लेते हैं, अपलोड फाइल पे जाएंगे, जो हमें दो फाइलें हमने वो करनी है, कंबाइन करनी है। जैसे एक फाइल ये है मेरे पास, ये दो फाइल है, ओपन करूँगा, अपलोड होने के बाद इनको कंबाइन करूँगा। ये देखें जी, ये कंबाइन होकर
पास आ गई है, मैं ओपन करूंगा फाइल को। ये देखें, ये दो पेज पर आ गई है। ठीक है, तीसरी जो है वेबसाइट का, हम पीडीएफ से रिलेटेड सारे काम हम कर सकें। स्मार्ट वर्क जो है, आई पीडीएफ पर जाएंगे, जो पहली वेबसाइट है उसको क्लिक करेंगे। तो ये देखें जी, इसमें भी वही ऑप्शन है, मर्ज पीडीएफ, कंप्रेस पीडीएफ, पीडीएफ टू वर्ड, वर्ड टू पीडीएफ, ठीक है जी, एडिट पीडीएफ है, काफी सारे ऑप्शन है। जो भी आपको चाहिए, जिस ऑप्शन पे आपने काम करना है, आप वो कर सकते हैं। माउस की मदद से नीचे आएंगे तो ये देखें जी, डाउनलोड फॉर मैक, यहाँ से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉफ्टवेयर अभी ओपन हो रहा है, यहाँ से हमने जो भी काम करना है, मर्ज करना है, एक्सेल टू पीडीएफ करना है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं, इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम मर्ज पे जाएंगे, अपलोड फाइल करेंगे, ओपन करेंगे, ये दोनों फाइलें यहाँ पर ओपन हो गई हैं, इसको मर्ज करेंगे। तो ये मर्जिंग कर रहा है, मर्जिंग करने के बाद हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो वो पूछ रहा है कि आपने ये फाइल कहाँ पर सेव करनी है। तो हम डेस्कटॉप पर ही कर लेते हैं फाइल को सेव, मर्ज के नाम से ही सेव कर लेते हैं। इसको कैंसिल करेंगे, ये था हमारा आज का टॉपिक कि पीडीएफ से रिलेटेड हमने जो काम करने हैं वो हम कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन और जल्दी, हमारा टाइम जाए किए बगैर। अगर हमने एक्सेल में ये बनाना होता तो हमें काफ़ी टाइम लगता, कॉपी पेस्ट करने में या टाइपिंग करने में। तो ये हमने ऑनलाइन इस तरह अपना काम जो है जल्दी और इजीली कर सकते हैं। देखें, ये मैंने जो फाइल मर्ज की थी, इस तरह मेरे पास दो पेज पे फाइल मर्ज हो गई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पीडीएफ से रिलेटेड काम के मुतालिक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली लगातार वीडियोज आपको मिलती रहें। इसी के साथ इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।